मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए, एक बेटे उत्तानपाद की चर्चा पूरी हुई और नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रिय व्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री वृषमती से विवाह हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेद्र और फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव जी जैन धर्म के, जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हैं और यहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और हम जो ऋषभदेव भगवान है उन्हें 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार मानते हैं। तो जैन परंपरा भी सनातन परंपरा से ही निकली हुई परंपरा है, ये कोई अलग परंपरा नहीं है। जिन भगवान की पूजा जैनी लोग करते हैं, भगवान ऋषभदेव की, उनकी पूजा हम सनातनी भी करते हैं। ऋषभदेव भगवान 24 अवतार में एक अवतार है। मान्यताएं अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं, मन अलग अलग है, पर अंत में मूल में चीज एक है। क्यों? विचारों का मतभेद है तो भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी महाराज घर परिवार छोड़कर गंडकी नदी नेपाल जो है, गंडकी नदी में गए, नदी के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए एकांत। एकांत बहुत जरूरी है। आज आप लोग परेशान ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको एकांत नहीं मिलता। दिन भर आप शोर शराबे में रहते हैं और शोर शराबे में रहते रहते आप शोर शराबे के इतने आदि हो गए हैं कि आपको शोर शराबे के बिना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के बीच में जाके शराब पी करके लोग नाचना पसंद करते हैं, पूरी है ना, थिएटरों में जाते हैं और पूरी रात रात क्लबों में जाते हैं, पूरी रात रात नाचते हैं। एकांत नहीं है। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, थोड़ी देर एकांत में, एकांत शांत चित्त, आंखें बंद करो, अकेले बैठो और उस परमात्मा से मन मिलाओ, उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो जिस परमात्मा ने ये सृष्टि को बनाया है, जिस परमात्मा ने सुंदर सी नदी, सुंदर सा सागर, सुंदर सा पेड़ पौधा, सुंदर से पशु पक्षी बनाए। वो परमात्मा जिनकी रचना इतनी सुंदर है, वो खुद कैसे होंगे? एक बार उन्हें देखने की कोशिश तो करो, एक बार उनका ध्यान तो करो कि उन आपके ध्यान में फिर आता कौन है। उस परमात्मा को एकांत से, एकांत में पुकारो, चित्त शांत हो, कोई आपके आसपास ना हो, थोड़ी देर कहीं भी शांत, एक पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ जाओ एकांत और ध्यान करो, ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। क्या होगा? धीरे 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 आप कोई शोर शराबा सुनाई ही नहीं पड़ेगा। फिर आप सबके बीच में रहकर भी आप एकांत में रहोगे। दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाया है बाण बनाने वाले को। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उन 24 गुरु में एक गुरु है बाण बनाने वाला। अब ये बाण बनाने वाले को गुरु कैसे बना लिया? क्या विशेषता थी? आओ विशेषता बताते हैं। एक लोहार था, अब बाण तो लोहार ही बनाएगा, एक लोहार था। वो भट्टी पर लोहा डाले और अपने हथौड़े से पीटे लोहे को और पीट पीट के बाण, सुंदर सा नुकीला बाण बना रहा। बार बार वो बाण को देखा, सीधा है कि नहीं, फिर ठुकाई करे, फिर
आग में डाले, कि तभी वहां से एक बारात गुजरती है। क्या गुजरती है? और बारात तो बारात है, बारात में कितना शोर होता है। लोग कहते हैं कि शांति नहीं है, शोर शराबे से तुम्हारी गृहस्थी शुरू हुई है, तो शांति के लिए तो सत्संग चाहिए। एक बारात गुजरी तो बारात में तो देखो ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, क्या कितना शोर नहीं होता। एक बारात गुजर गई उस लोहार के सामने से, और लोहार क्या कर रहा था, जोर से क्या बना रहा था, बाण, धनुष बाण में जो बाण होता, बाण बना रहा था, तीर बाण बना रहा। और बारात निकल गई, अब बारात थोड़ा आगे चली गई, तभी पीछे से कोई आया, साधु आए, भगवान ऋषभदेव जी, दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कहा, भैया वो बारात जो है वो किस तरफ गई है, क्योंकि वहां से दो रास्ते थे। तो संत जी ने पूछा, बारात इस रास्ते पर गई कि इस रास्ते पर गई? तो बाण बनाने वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी दत्तात्रेय जी ने बाण बनाने वाले को हिलाया, ओ भैया जाग। अब बाण, अरे हाँ हाँ महाराज बता, वो बारात गई वो किस तरफ गई, इस तरफ कि इस तरफ? बाण बनाने वाले ने कहा, बारात चली गई, कहां से गई, हमने तो नहीं देखा। इतना शोर शराबा सामने से हुआ लेकिन उसने नहीं देखा। अब आप लोग बताओ कि उसने क्यों नहीं देखा, बोलो क्यों नहीं देखा, आप बताओ बैठे बैठे। हाँ बताओ बताओ, क्यों क्यों नहीं देखा बेटा उसने बारात? क्योंकि वो अपने काम में इतना डूब चुका था, अपने काम में इतना खो चुका था कि सामने क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं था। दत्तात्रेय जी ने से गुरु बना लिया कि बाण बनाने वाला जब बाण इतनी तन्मयता से बना रहा है कि सामने क्या हुआ पता नहीं, तो भजन करने वाला, ध्यान करने वाला भगवान में इतना खो जाए कि सामने क्या हो रहा है पता ही ना चले, तब तो ईश्वर से संबंध बनेगा, संपर्क सधेगा।